इनकम टैक्स सर्वे, बीबीसी दफ्तर से निकली आयकर विभाग की टीम 3 दिन तक चला सर्वे। तेलंगाना, हैदराबाद में भाजपा की बैठक के दौरान हंगामा, एआईएमआईएम पार्षद पर हमला करने का आरोप, मामला दर्ज। कर्नाटक, बेंगलुरु एयरपोर्ट रोड की ओर भारी ट्रैफिक जाम, अंतिम दिन एयरो इंडिया 2023 के लिए भारी भीड़ के कारण हवाई अड्डे की ओर जाने वालों के लिए भारी असुविधा, लगभग 5 किमी। चीन सीमा के दुर्गम स्थानों पर भारतीय वायुसेना ने पहुंचाए भारी मशीनरी, तेजी से बिछेगा सड़कों का जाल। महाराष्ट्र, गूगल पर सर्च कर रहा था कैसे करे आत्महत्या, अमेरिका से आया अलर्ट, मुंबई पुलिस ने बचाया। एयर इंडिया ने दिए 840 विमानों के ऑर्डर, दुनिया के हर प्रमुख शहर से जुड़ेगा भारत। त्रिपुरा चुनाव, ब्रू जनजाति के लोगों ने 26 वर्षों बाद डाला वोट, केंद्र व राज्य सरकार का किया धन्यवाद। ओडिशा, वन विभाग के 3 कर्मचारी गिरफ्तार, अवैध हाथी शिकार मामले के चश्मदीद की हत्या करने का आरोप। असम, जोरहाट के चौक बाजार में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। बेंगलुरु, महाशिवरात्रि पर बेंगलुरु में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, बीबीएमपी ने जारी किया आदेश। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेजा, जिन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। द्रौपदी मुर्मू, सबसे पसंदीदा विनिर्माण गंतव्य के रूप में उभर रहा भारत, बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गिरिराज सिंह का ओवैसी पर तंज, बोले जिन्ना तो चले गए, उनके कुछ वारिस अब भी बचे। मेघालय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तरी तुरा पहुंचे, बोले बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। अब सरकारी सेवाओं में बढ़ेगा ई ऑफिस का इस्तेमाल, सीएससी, एनआईसी और एनआईसीएसआई के बीच समझौता।